इसी कारण हमारे अंदर एक आगे से निकलने वाली शक्ति और पीछे से निकलने वाली शक्ति के कारण हमारे अंदर उसका रिएक्शन मात्र ही ईगो और सुपर ईगो, अहंकार और प्रति अहंकार नाम की दो संस्थाएं तैयार होकर के यहाँ पे एकत्रित हैं। उसके एकत्रित होने के कारण यहाँ से हम सारे तरह से अलग ही हट जाते हैं उस सारी ओर में जो हमारे शक्ति विराजमान है। उस शक्ति से हम कट जाते, हम अलग हो गए, आप अलग हो गए, आप अलग हो गए, आप अलग हो गए, हम सब अलग अलग खड़े हैं। वास्तविक हम एक ही शक्ति के देन हैं, जैसे कि कोई हमारे अंदर पेट्रोल भर दिया हो और हम यहाँ सील कर। इस शक्ति में से जो बीच में से शक्ति गुजर के जाती है वो हमारे रीढ़ के पीठ की हड्डी के नीचे के हिस्से में जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसके अंदर जाके लपट के 3.5 चक्र में बैठे, कुंडों में बैठे, इसलिए उसको कुंडलिनी कहते हैं। ये शक्ति अभी दिखाई नहीं देती, इसलिए बहुत से लोग कहेंगे कि ये आप जो कह रहे बात कैसे सही माने, लेकिन ये एक हफ्ते पहुंचने तक आपको दिखाई देगी। जैसे कि आपको हम कहें कि माइक्रोस्कोप से आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो इन आंखों से नहीं दिखाई देंगी, लेकिन माइक्रोस्कोप आपको मिलना चाहिए। अगर आपको माइक्रोस्कोप नहीं मिला तो आप उस चीज़ को देखें, तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जिसमें आप इन शक्तियों को देख सकते हैं, कहाँ बैठी है, किस तरह से बैठी, उसका आकार है। लेकिन ये निराकार में शक्ति जा करके अंदर बैठी रहती है। जिस वक्त में कुंडलिनी जागृति होती है, हमारे यहाँ जो लोग आए हैं और जो लोग अब पार हो चुके हैं, जो काफ़ी इस काम को जानते हैं, वो भी बता सकते हैं कि जब कुंडलिनी आपकी जागरूक होती है, अगर कोई मेरे सामने झुका हुआ हो तो उसके पीठ के इस रीढ़ की हड्डी के पीछे में उसका स्पंदन दिखाई देता है। आप कभी भी श्वास यहाँ तो लेते नहीं थे, लेकिन उसका ऊपर उठना और गिरना आप देख सकते हैं, चाहे आप पार हुए हों चाहे नहीं। बहुत से लोगों में ये दिखाई देता है, सब में दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसमें कुछ रुकावट होती है उसमें काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है। काफ़ी देर तक आप देख सकते हैं कि वहाँ स्पंदन है, ये शक्ति वहाँ स्थित रहती है, वहाँ बैठी रहती है। यही कुंडलिनी है जो बैठी रहती है उस समय तक, जन्म जन्मांतर तक वही कुंडलिनी आपके अंदर में पनपती रहती है और सारी चीज़ जैसे टेप होता है उस तरह से रिकॉर्ड करती रहती है। इनको क्या क्या तकलीफ है, ये मेरा बेटा है, इसको क्या क्या परेशानियाँ हैं, इसके शरीर में क्या क्या तकलीफ है, इसके मन में क्या तकलीफ है और इसको किस चीज़ की है, वो सब कुछ आपके बारे में जानते हैं। आपके माँ के अनेक बच्चे हो सकते हैं, पर इस माँ के आपकी एक बेटी। अब मेरा जब से जन्म हुआ मैं ये देखती थी कि हर एक इंसान की कुंडलिनी वहीं जमी बैठी, वो उठती ही नहीं। वजह क्या है? उसका उठने का जो मार्ग निश्चित है, जिससे वो उठेगी, जिसे वो जानती है कि मुझे इसी मार्ग से उठना है, इसके बीच में एक बहुत बड़ी जगह है जो कि बाहर भी जो डॉक्टर लोग हैं समझ सकते हैं कि हमारे अंदर यहाँ भी हमारे वॉइड वेगस नर्व और ऑर्टिक प्लेक्सस के बीच में कुछ भी है। उसी तरह से हमारी जो बीच की सुषुम्ना नाड़ी है उसमें भी ऐसी जगह है। सभी इंसानों में ये जगह बनने के कारण वो कुंडलिनी शक्ति है। मैं यही नहीं समझ पाती थी कि ये कुंडलिनी शक्ति उठेगी तो किस तरह से उठेगी। उस गैप को भरने का इलाज जो ढूंढा गया है वही सहज योग। ये जब कुंडलिनी शक्ति उठती है तो ये ऊपर जा करके और फिर से उसी मार्ग से ऊपर जा करके आपसे एकाकार कर देती है, उस शक्ति से जो कि हमारे चैतन्य को भरती है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि पेट्रोल हमारे अंदर पहले भरा गया था, उसके बाद उसे हमने इस्तेमाल कर दिया, हमारे बाहर जाने की प्रवृत्ति से हमने उसे इस्तेमाल कर दिया। अब नया पेट्रोल भरने के लिए फिर से ये कैप खुल गया है और उसके लिए कुंडलिनी ही उसे खोल देती है और ऊपर से ग्रेस के रूप में वो आपके अंदर में शक्ति पूरी समय दौड़ते। जानवर में वो प्रश्न होते ही नहीं हैं जो मनुष्य में होते। जानवर के लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, वो सिर्फ जीता है। जिस शक्ति के सहारे वो जीता है उसकी ओर भी उसका कोई प्रश्न नहीं होता है कि वो कौन सी शक्ति है कि जिसके सहारे मैं जीता हूँ। उसकी वजह ऐसी है कि ये चैतन्य शक्ति जो कि सारी सृष्टि की रचना करती है,
उसकी चालना करती है, उसकी व्यवस्था करती है। वो प्राणी मात्र में बहती हुई और गुजर जाती, किंतु इंसान में उसके एक विशेष कारण उसके एक विशेष तरह के जीवन से संबंधित ऐसी कुछ रचनाएं हो जाती हैं जिससे मनुष्य उस शक्ति से वंचित हो जाए। इसको अगर हम समझें तो साधारण शब्दों में इस तरह से कहा जाएगा कि मनुष्य में जो अहंकार हो जाता है वो प्राणी मात्र में नहीं है। मनुष्य की दिमागी हार जो है वो बहुत ही और तरह का, उसका दिमाग एक त्रिकोणाकार और इस त्रिकोण में जब ये शक्ति बच्चा 3 महीने के माँ के गर्भ में होते समय अंदर की ओर गुजरती है तो वो एक रिफ्रैक्शन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, विलीनीकरण जिसे कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं, उससे 3 हिस्सों में बट जाता है। एक तो हिस्सा जो कि सर के माथे के बीच से सीधा ही नीचे गुजर चुका है और बाकी 2 हिस्से जो कि सर के 2 कोणों में से नीचे गुजर के और घूम करके नीचे की ओर चला। इस 3 तरह की शक्ति की वजह से ही मनुष्य प्राणी मात्र से एक दूसरी ही चीज है। ये जो शक्ति हमारे सर में त्रिकोण में से गुजरती है और त्रिकोण के कोण के तरफ से जब गुजरती है तो उसमें भी एक कोण आ जाता है और उसी कोण के कारण उसकी शक्तियाँ 2 तरह से बदल जाती हैं। अगर आप लोग फिजिक्स जानते हो तो आप समझ लेंगे कि शक्ति हमेशा सीधे ही गुजरती है, लेकिन वो जब इधर से ऐसे गुजर के आती है और उसे जब ऐसे जाना पड़ता है उसका बदलता हुआ रुख उसको 2 शक्तियों में बांट देता है जिसे कॉम्पोनेंट कहते हैं। एक ऐसा बाहर की ओर जाती है, एक नीचे की ओर। बाहर की ओर जाने वाली शक्ति के कारण ही मनुष्य के अंदर में बाहर की ओर दृष्टि आ जाती है। जैसे कि जानवर है, वो अगर इस स्टूल पे आकर बैठ जाए तो ये सोचेगा कि स्टूल पे बैठे, पर मनुष्य अगर स्टूल पे बैठ जाए तो सोचेगा कि स्टूल में कैसे पालू, ये कहाँ से आया, इसको किसने बनाया, इसका बनाने वाला कौन। कोई सी भी चीज़ को देखते ही साथ उसमें लपट जाए, किसी इंसान को देखता है उसके और भी वो लपट जाए। जानवर में बात नहीं, वो बस जीता है, उसका अगर मालिक आया तो खुश हो जाता है, कोई पराया आदमी आया तो उसे भौंकने लग जाता है, कोई अगर चोर आया तो उसे भौंकने लगता है। अब वो ये नहीं सोचता है कि मैं इसको अपना लूँ, इस माइक को मैं ले लूँ, इस टेबल को मैं ले लूँ, इसको कहते हैं पजेशन, उसका उसके दिमाग में खा लूँगा। उसमें सौंदर्य की भी दृष्टि नहीं आती, वो ये भी नहीं सोचता कि कोई चीज़ सुंदर है या असुंदर है, इसका रंग अच्छा है या बुरा, इससे उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन मनुष्य किसी भी वस्तु विशेष में निपट जाता, फिर वो आगे बढ़ करके ये सोचने लग जाता है कि मैं जो मेरी जो सत्ता, मैं कोई भी विशेष हूँ। जैसे कि हम पैदा होते ही ये सोचने लग जाते हैं कि हम निर्मला, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदू हैं, मुसलमान, ईसाई हैं, इस तरह से जो कुछ भी बाहर की उपाधियां हैं उसको लिपटना पड़े। ये जो बाहर जाने की प्रवृत्ति है ये मनुष्य के त्रिकोणाकार मस्तिष्क की जो स्थिति है उसकी वजह से। अगर मनुष्य बाहर न जाए तो उसके आगे कोई प्रश्न नहीं है, जैसे कुत्ते बिल्ली हैं उनके आगे कोई प्रश्न नहीं, उनके अंदर से सारी चेतना गुजर के नीचे चली जाती, उनके आगे कोई प्रश्न नहीं, कोई उनके अंदर रिएक्शन नहीं। लेकिन हमें ऐसा है कि हम जब किसी भी चीज़ की ओर देखते हैं तो उसके प्रति हमारा रिएक्शन है। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।